ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई यूजुअली आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये आपके शरीर के किसी भी हिस्से को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर ये लंग्स के अलावा किसी हिस्से को इन्फेक्ट करता है तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और टीबी अगर बहुत सारे ऑर्गन्स को एक ही टाइम पे इन्फेक्ट करती है तो उसको हम डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। डिसेमिनेटेड मतलब कि टीबी आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है। इसके आगे हम बात करेंगे कि इसके बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ट्यूबरकुलोसिस हो रही है या हो सकती है। ज़्यादातर लोगों में जब टीबी होती है तो ज़्यादातर इट स्टार्ट्स विद लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का बुखार होता है जिसको लोगों को अक्सर ये लगता है जैसे थोड़ी थकावट हो गई है, इसलिए बहुत बार मिस हो जाता है। लोगों को लगता है कि शाम होते थकावट हो रही है, लेकिन अगर वो थर्मोमीटर से अगर टेम्परेचर नापे तो उन्हें हल्का सा बुखार आएगा 99.5। टीबी की वजह से हाई ग्रेड फीवर बहुत रेयर है, बहुत रेयर है कि टीबी की वजह से हाई ग्रेड फीवर हो। तो पहला सिम्टम है आपको अक्सर आपको ज़्यादा थकावट लगनी, अपने आप में एनर्जी नहीं लगनी, और अगर आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करेंगे तो शाम की तरफ ज़्यादातर एक लो ग्रेड टेम्परेचर होगा। इसके साथ थोड़ा थोड़ा भूख कम हो जाती है लोगों को, वो भी एक ऐसा सिम्टम है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है मन नहीं कर रहा इसलिए नहीं खा रहे, लेकिन अगर आपको जितना नॉर्मल खाते हैं उससे कम भूख लग रही है, भूख कम होना लॉस ऑफ एपेटाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट होता है भूख कम लगती है तो लॉस ऑफ वेट भी हो जाता है। अब वो भी धीरे धीरे होता है तो लोगों को वो भी ज़्यादातर पता नहीं चलता, क्योंकि जब ये ट्यूबरकुलर बैसिलाई हमारी बॉडी में जाता है तो ये एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, ग्रैनुलोमा के फॉर्म में होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फेक्टेड जो इंसान है वो उसको डिजीज़ भी होगी। इन्फेक्शन अलग चीज़ है, डिजीज़ अलग चीज़ है। तो आपके अंदर जब टीबी बैसिलाई अंदर चले गया, कई बार वो बस वहाँ बैठा रहता है, कुछ कहता नहीं है, उसको हम लेटेंट टीबी भी कहते हैं। लेकिन जब ये टीबी, अगर ये जो कीटाणु है जब अपने ही बॉडी में पनपना शुरू हो जाता है तो डिजीज़ फिर तब होती है। तो इसमें काफ़ी लंबा टाइम और काफ़ी लंबा गैप हो जाता है कई बारी। तो जब तक आपकी जो टीबी का कीटाणु धीरे धीरे लंग्स में आपके फैलता है तो उसके दौरान कई बार ये बहुत फैल जाती है। खांसी का आना, अगर आपकी टीबी फेफड़ों की है तो खांसी एक ऐसी चीज़ है जो लगातार बन जाती है। तो लोग हमारे पास आते हैं कि एक महीने से खांसी हो रही है, तो अक्सर जब अगर आपने बहुत सारा टीबी का एड्स भी देखा होगा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, तो कहते हैं कि जो कफ है इज़ परसिस्टिंग फॉर मोर देन 1 मंथ, तो आपको थोड़ा सा टीबी के बारे में शक होना चाहिए। और अगर ऐसी खांसी है जो कि नहीं जा रही, जो कि यूजुअल खांसी नहीं लग रही है, खांसी जुकाम वाली खांसी नहीं है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, अपने आप का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे, अगर ये फेफड़ों को नहीं अफेक्ट करती तो अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की बात है, जैसे ग्लैंड्स हैं, जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, कई लोगों को यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, तो कुछ लिम्फ नोड्स हैं जो हमारे को बॉडी में बाहर दिखते हैं, जैसे आपकी आर्मपिट के नीचे लिम्फ नोड्स हैं या आपके जेनिटल एरिया के आसपास लिम्फ नोड्स हैं, तो ये लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं। और इसके अलावा कभी जैसे अगर पेट की टीबी होती है तो क्या होता है, अगर लोगों को पेट की टीबी होती है तो खाने को मन नहीं करता, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ अगर ऐसे ही चीज़ें हैं जिसमें अब आपको लंग्स इन्वॉल्व नहीं है लेकिन शायद पेट इन्वॉल्व है, तो भी आपको टीबी हो सकता है। तो हमारे कंट्री में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी जो औरत जो इनफर्टिलिटी की बात करते हैं हम कपल्स, तो ट्यूबरकुलोसिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, क्योंकि कई बार ये यूट्रस में ही सिर्फ हो जाती है, तो इसको हम यूट्रिन ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो कोई अगर लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है या बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, उसमें भी एक टीबी कारण हो सकती है। तो ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस कैसे बनता है, कैसे होता है? तो डायग्नोसिस जो डॉट्स के आरएनटीसीपी के हिसाब से देखें तो उन्होंने सिर्फ एक बलगम की जांच को रखा हुआ है एक टीबी को डायग्नोस करने के लिए। तो बलगम में अगर किसी के टीबी का कीटाणु दिखता है तो उसको हम कहते हैं स्पूटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस। और ये अगर बोलें तो जो ये डायग्नोसिस है ये सबसे डेफिनेटिव डायग्नोसिस है, ये सबसे पक्का डायग्नोसिस है। किसी की बलगम में अगर टीबी का कीटाणु दिख जाता है, वेरियस टेक्निक्स हैं उसको देखने के लिए, ZN स्टेनिंग करते हैं, तो इसका मतलब वो टीबी कन्फर्म्ड केस है। लेकिन टीबी को डायग्नोस करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर इंसान में लंग्स इन्वॉल्व नहीं हो रही, और अगर लंग्स इन्वॉल्व हो भी रही है तो हर इंसान में टीबी जो स्पूटम पॉजिटिविटी नहीं आती है,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको टीबी की डिजीज़ नहीं है। तो हमें और भी चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर स्पूटम या जाकि बलकम में टीबी का कीटाणु हमें नहीं भी दिखा तो उसका अगला स्टेप होता है हम एक्सरे करके देखते हैं, क्योंकि अगर कई बार बलगम नहीं आती या बलगम में टीबी का कीटाणु नहीं है लेकिन एक्सरे में हमारे को ऐसा दिख रहा है, कुछ एक्सरे में ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है टीबी जैसी है, तो भी उसको हम स्पूटम नेगेटिव ट्यूबरक्लोसिस संबोल के और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो स्पूटम में टीबी का कीटाणु देखना डेफिनेटिव है, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम टीबी का डायग्नोज इस्टेब्लिश कर सकें। अब जैसे हमने बात की लिम्फ नोड्स की, अब लिम्फ नोड की टीबी है कि नहीं वो एक अलग चीज़ है। लिम्फ नोड्स अगर तो एक्सेसिबल हैं, जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड हैं या जेनिटल लिम्फ नोड्स हैं, उसमें हम एक नीडल डाल के सैंपल लेते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि इसमें टीबी का कीटाणु है या नहीं। तो पूरी कोशिश यही रहती है कि हमें टीबी का डायग्नोज हम डेफिनेटिव कर सकें। लेकिन बहुत बार होता ऐसा भी है कि डायग्नोज इस्टेब्लिश करना मुश्किल है, तो डॉक्टर अपने क्लिनिकल जजमेंट के बेसिस पे, आपके सिम्टम्स के बेसिस पे और रेडियोलॉजी की बेसिस पे भी एम्पिरिकल ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कोलैटरल चीज़ें हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रीटमेंट। अब अगर किसी को भी टीबी का डायग्नोज हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है, पैनिक की बात नहीं है, हमारे पास ट्रीटमेंट है। अगर हम उस ट्रीटमेंट को प्रॉपरली लेते हैं, पूरे टाइम के लिए लेते हैं, तो ये किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो जो मेजर ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का, वो है 6 महीने का। इसमें 4 ड्रग्स दी जाती हैं, रिमफेम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, कॉम्बिटोल, पाइरेज़िनामाइड। अगर किसी को पहली बार टीबी हो रही है तो ये 4 दवाइयाँ ही देते हैं, और ये 4 दवाइयाँ पहले 2 महीने के लिए चलती हैं और फिर उसके बाद अगर सब ठीक होता है तो 4 महीने में कम कर देते हैं हम। अगर किसी को दोबारा टीबी हो जाता है तो उसमें इंजेक्टेबल्स आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो कि हम ऐड करते हैं अगर किसी को दोबारा टीबी हो जाता है, इसे कहते हैं रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी हो जाता है या फिर री इन्फेक्शन हो जाता है, तो दिस इज़ अनदर ड्रग दैट वी ऐड। अब ये वो टीबी है जिसको हम कहते हैं दिस इज़ लाइक अ प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, और जो टीबी है जो कि जो टीबी का कीटाणु है वो सेंसिटिव है हमारी फर्स्ट लाइन थेरेपी को। पर एक और जो चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं वो है ड्रग रेजिस्टेंस। अब हमारी जो ट्यूबरक्लोसिस के कीटाणु है उसमें बहुत ड्रग रेजिस्टेंस आ गई है, उसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस और XDR भी कहते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो टीबी का कीटाणु जिसकी वजह से आपको टीबी हुई है वो रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है। तो इसका भी जो आजकल हमारे पास टीबी नेट करके एक टेस्ट है जो कि हमें बहुत जल्दी ही बता देता है कि हमारे इसमें रेजिस्टेंस है कि नहीं। रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम आपको 4 या 5 दवाइयाँ देते हैं, 6 महीने के लिए देते हैं, सब ठीक हो जाता है। अगर जो रेजिस्टेंस है तो उसमें जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो अलग है। वो पहले तो इवन लास्ट ईयर तक वो 18 महीने तक दवाई देते थे, लेकिन अब कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिसको हम उसको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, और यहाँ हमारे पास शॉर्ट टर्म रेजीम्स भी आ गए हैं ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो एक टेस्ट तो हम डायग्नोसिस के टाइम पे ही करते हैं जिसको हम टीबी नाट कहते हैं, जिसमें उसी टाइम हम रिमफेम्पिसिन रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं, और दूसरा हम अगर कोई भी सैंपल लेते हैं जो कि आपकी बलगम है या आपके जो फेफड़ों के बाहर पानी है वो है या आपका लिम्फ नोड का जो सैंपल, जो भी सैंपल है उसको हम कल्चर करते हैं, और कल्चर में अगर टीबी का कीटाणु आता है तो फिर उसके ऊपर हम ड्रग सेंसिटिविटी लगाते हैं। ये ड्रग सेंसिटिविटी लगाना बहुत ज़रूरी है अब के ज़माने में, क्योंकि अब इंडिया में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सेंसिटिव बैक्टीरिया का कर रहे हैं या रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का कर रहे हैं। और ये सब भी फैसिलिटीज़ हमारे जितने भी सरकारी हमारे यूनिट्स हैं, RNTCP के यूनिट्स हैं जो कि जगह जगह हैं, सिविल हॉस्पिटल्स में हैं, डिस्पेंसरीज में हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो किसी को भी कभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कभी भी सिविल हॉस्पिटल में जा सकते हैं और वहाँ पे आपको ये सब गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। पर देखिए जो ट्रीटमेंट है वो ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, इसमें एक पेशेंट की भागीदारी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लंबा ट्रीटमेंट है। बहुत बार देखा गया है कि लोग दवाई शुरू करते हैं, 1 महीने में उनको बेहतर फील करता है तो छोड़ देते हैं। अब ये छोड़ने की वजह से ही, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की वजह से ही रेजिस्टेंस पैदा हुआ है, और यही एक चीज़ है जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
तो माल न्यूट्रिशन, मतलब जब आपका न्यूट्रिशन लेवल ठीक नहीं है, उसमें भी टीबी के होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं ये जो बीमारी, एक तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू नाउ स्ट्रेस। आजकल की दुनिया के में जैसे कि हमारा स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं और आपका बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा है तो इम्यूनिटी कम है। तो क्योंकि ये जो ट्यूबरक्लोसिस का बैसिला इतना प्रेवलेंट है कि ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान में पाया जाएगा, तो क्या होता है जब हमारे किसी भी वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, किसी की वजह से, जैसे कि आपकी कुछ भी आपकी निजी मामलों की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या कुछ भी कारण से, तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो मेजर जो रिस्क फैक्टर है आपका अपना, आपकी बेसिक हेल्थ कैसी है, कोई आपको और कोई डिजीज़ तो नहीं है, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में अगर शुगर कंट्रोल्ड नहीं है तो भी टीबी के होने के बहुत चांसेस हैं आपका। ऑफ कोर्स जैसे हमारे बाकी एचआईवी है जिसमें सारा ही आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कम हो जाता है, सो एचआईवी पेशेंट्स में भी टीबी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये आपके बेसिक रिस्क फैक्टर्स हैं कि कैसे कब आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस कभी भी किसी को भी हो सकती है, इसलिए सही टाइम पे अपनी जांच करवाएं, सही ट्रीटमेंट रहें और स्वस्थ रहें।